हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हाट आर स्क्लेराइट्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्लेराइट्स क्या होते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट है एक्सो स्केलेटन एक्सो स्केलेटन एक्सो का मतलब क्या होता है एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड स्केलेटन का मतलब जो हमारी बॉडी को एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो एक्सो स्केलेटन क्या होता है एक्सोस्केलेटन इज द एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव और सपोर्टिव फ्रेमवर्क सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो होता है एक्सटर्नली उसे क्या कहते हैं एक्सोस्केलेटन कहते हैं इन केस ऑफ कॉकरोच इन केस ऑफ कॉकरोच जो एक्सोस्केलेटन होता है एक्सो एक्सोस्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग नॉन लिविंग काइटनेस काइटनेस मटीरियल काइटनेस मटीरियल का बना होता है जो कैसे प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन दम ऑफ प्लेट्स प्लेट्स की फॉर्म में जो है ये काइटनस मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसे क्या कहा जाता है इट इज नोन एज स्क्लेराइट्स अब स्क्लेराइट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्क्लेराइट्स आर दी स्क्लेराइट्स आर दी प्लेट्स काइटनेस प्लेट्स होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ दैट आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल मटेरियल दैट इज दैट इज काइटिन काइटिन क्या है इट इज अ नॉन लिविंग मटेरियल है जिससे क्या बनता है काइटनस प्लेस बनती है स्क्लेराइट्स की एंड इट फॉर्म्स दी एंड इट फॉर्म्स दी एक्सोस्केलेटन एक्सो स्केलेटन ऑफ कॉकरोच ऑफ कॉकरोच तो स्क्लेराइड क्या बनाता है एक्सो स्केलेटन ऑफ कॉकरोच बनाता है केस ऑफ कॉकरोच जो स्क्लेराइट्स होते हैं वो डोर्सल और वेंट्रल साइड पर डिफरेंट होती है जो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट स्क्लेराइट्स होती हैं उन्हें कहा जाता है टर्गा और जो स्क्लेराइट्स वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहा जाता है स्टर्ना स्टर्ना दोनों क्या है दोनों ही स्क्लेराइड हैं दोनों ही एक्सोस्केलेटन का पार्ट है बस डिफरेंस क्या है जो डोर्सल साइड पर है आर टर्गा और जो वेंट्रल साइड पर है आर स्टर्ना आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू